गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की आपको दिखाते हैं, वहीं लिए चलते हैं आपको। टू अनदर फेलो सिटीजन फिफ्थ रिपब्लिक डे टुडे एज दिस मिस्ट मिंगल्ड मॉर्निंग डॉन्स ओवर कर्तव्य पथ लेट अस कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू सेलिब्रेट एज वन लेस्ट वी फॉरगेट। फहरे आज हमारा उठ जाए तूफान देश में कर दे जिस दिन एक इशारा। परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा सधे कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण की अनुमति लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। परेड निरीक्षण में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के साथ हैं, कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री विजय दयाराम के और पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह। सामने सुसज्जित 14 प्लाटून, प्लाटून कमांडर अपनी विशेष मुद्राओं में परेड का कमांड कर रहे हैं। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और सेकंड परेड कमांडर हैं निरीक्षक श्री गणेश राम यादव। छब्बीस जनवरी 1949 को संविधान पारित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में उदय हुआ। वंदे मातरम और भारत मां की जय के उद्घोष के साथ संसद भवन गूंज उठा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों का परिणाम देश का लिखित और सबसे लंबा संविधान। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे, ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे जो हमने अनोखी विधा से हासिल की। आइए आज के इस गौरवशाली अवसर पर देश के तमाम शहीदों को नमन करते हुए ये संकल्प लें, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगगान बनकर जी। लालबाग का ये ऐतिहासिक मैदान रंगोली के सुंदर रंगों से धरा को प्रफुल्लित करता, चारों ओर तोरणों से सजा एक नई आभा एक नए विश्वास को समेटे हुए भारत के ये सच्चे सपूत जो आज विशेष पोशाकों में सजे हुए 14 प्लाटून में पंक्तिबद्ध। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले प्लाटून के समीप पहुंचते हुए पहला प्लाटून सीआरपीएफ 241 बटालियन सेडवा उप निरीक्षक रजत ठाकुर के नेतृत्व में दूसरे क्रम में है सीआरपीएफ 80 बटालियन उप निरीक्षक वी चंद्रन का कमांड। तीसरे क्रम में 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर है नागेश्वर मिश्रा। चौथा प्लाटून 19वीं पोखरण वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल करनपुर नेतृत्व कर रहे हैं जगदीश नेताम। अगला क्रम जिला बल बस्तर फाइटर्स पुरुष नेतृत्व करता है उप निरीक्षक रवि कुमार बैगा।
अगले क्रम में जिला बल बस्तर फाइटर्स महिला कमांड कर रही हैं उप निरीक्षक गुणेश्वरी नरेटी। अगले क्रम में नगर सेना का सुशील कुमार साहू के नेतृत्व में प्लाटून। आठवां प्लाटून एनसीसी पीजी कॉलेज जगदलपुर कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया। एनसीसी सीनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक दो के कैडेट्स कमांड है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। अगला प्लाटून सीजस धर्मपुरा का सीएसएम जया सेठिया के नेतृत्व में। भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया पिछले 74 वर्षों से या भारत के अंदर जाति मत संप्रदाय क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था, लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति मत मजहब क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर इस संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उस अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में
हम कैसा भारत चाहते हैं, यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के 25 वर्षों में अगर हम सब अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा, जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा बल्कि वह अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के लिए प्रति पूरी तरह आश्वासित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था, आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के